नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त तुषार तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल आकाश स्मार्ट एजुकेशन। जी हाँ, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर एक नई सीरीज, एक नया वीडियो, एक नई ताजगी, नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि आज का हमारा वीडियो और हमारी सीरीज क्या होने वाली है। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी अकाउंटिंग शब्दकोश, लेखांकन शब्दकोश। उसमें हम कई सारे शब्दों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा, आप उस सब्जेक्ट या उस चीज को अच्छे से सीख नहीं सकते। तो चलिए बात करते हैं, और आज का हमारा जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लायबिलिटी। क्या होने वाला है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में दायित्व। क्या बोलते हैं? दायित्व। अब लायबिलिटी यानी कि दायित्व होता क्या है, मैं आपको बता दूं। बिजनेस के द्वारा जो भी पैसा दिया जाता है यानी पे किया जाता है वो बिजनेस का दायित्व कहलाता है। बिजनेस का दायित्व कहलाता है। इंग्लिश में एक डेफिनेशन है, मैं बता दूं, व्हाटएवर अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। व्हाटएवर अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपकी स्क्रीन पे आ चुकी होगी कि लायबिलिटी क्या है। बिजनेस के द्वारा जो भी पैसा दिया जाता है वो बिजनेस का क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपने किसी से कोई सामान उधार पे खरीदा है तो आप उसको पैसा देंगे ना, तो आपका क्या बनता है? दायित्व तो बनता है, उसको पैसा देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपसे सामान क्या कर लेगा? छीन लेगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा आपको देना पड़े वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी यानी दायित्व होगा। अब लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है? तो भाई लायबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं करंट लायबिलिटी। अक्सर बच्चों के अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है करंट लायबिलिटी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ, व्हाट इज करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जिसको हम लोग वन ईयर के अंदर अंदर पे कर देते हैं वो कहलाती है करंट लायबिलिटी। जी हाँ, जैसे हमारे सारे पेबल्स, आपको अपने पेबल्स को क्या करना है? एक साल के अंदर अंदर पे करना है। या फिर बात करें कोई क्रेडिटर जिसको, जिसने शर्त रखी है कि आपको एक साल के अंदर उसको देना ही देना है पैसा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा लोन, शॉर्ट टर्म लोन, जिसको आपको एक साल के अंदर देना है, तो सब आती है करंट लायबिलिटी के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है ये मैं बता देता हूं। वो लायबिलिटी जिसको वन ईयर के अंदर देने का कोई बाउंडेशन नहीं होता, जिसको आप वन ईयर के अंदर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, जिसको आप वन ईयर के अंदर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। जैसे कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स, कुछ ऐसे पेबल्स भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो वो सारे आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, या फिर बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आई होप सो आप सभी को लायबिलिटी समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।